Koha interface में how to add an item type पर spoken tutorial में आपका स्वागत है। इस tutorial में हम item types के बारे में और item type जोड़ना सीखेंगे। इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux operating system 16.04 और Koha version 16.05। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए शिक्षार्थियों को लाइब्रेरी साइंस का ज्ञान होना चाहिए। इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपके सिस्टम पर कोहा संस्थापित होना चाहिए और आपको कोहा में एडमिन एक्सेस भी होने चाहिए। यदि नहीं तो कृपया इस वेबसाइट पर कोहा स्पोकन ट्यूटोरियल की श्रृंखला देखें। चलो शुरू करें। मैं कोहा इंटरफेस पर जाती हूँ। याद रखें कि हमने एक सुपर लाइब्रेरियन बेला बनाया था। अब हम यूजर नेम बेला और उसके पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अब हम कोहा इंटरफेस सुपर लाइब्रेरियन बेला में है। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि आइटम टाइप्स क्या है। आइटम टाइप्स आमतौर पर लाइब्रेरी में सामग्री का संदर्भ देता है, जैसे कि बुक्स, जर्नल्स, सीडीज, डीवीडीज आदि। कोहा में प्रत्येक आइटम टाइप को कलेक्शन कोड दिया गया है। यह कोड विशिष्ट रूप से आइटम टाइप की पहचान करता है। एक नया आइटम टाइप जोड़ना सीखते हैं। कोहा होम पेज पर कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। बेसिक पैरामीटर सेक्शन पर जाएं और आइटम टाइप्स पर क्लिक करें। आइटम टाइप्स एडमिनिस्ट्रेशन पेज के ऊपर न्यू आइटम टाइप बटन पर क्लिक करें। आइटम टाइप फील्ड में नए आइटम टाइप के लिए कोड प्रविष्ट करें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। मैं REF टाइप करूंगी। डिस्क्रिप्शन फील्ड आइटम टाइप का वर्णन है, तो यहाँ मैं संदर्भ टाइप करूंगी। मैं सर्च कैटेगरी फील्ड को स्किप करूंगी। अगला चूज एन आइकन है। ब्रिज टैब पर क्लिक करें। यहाँ नीचे दिए गए विकल्पों से आइकन पर क्लिक करें जो आइटम टाइप से जुड़े हैं। मैं रेफरेंस आइकन पर क्लिक करूंगी। इसके बाद हम सीखेंगे कि हाइड इन ओपैक कैसे मदद करता है। मान लें कि एक पुस्तक क्षतिग्रस्त है और यह बाइंडिंग के लिए वापस रखी जानी है। ऐसे मामलों में विकल्प हाइड इन ओपैक सभी यूजर्स के लिए पुस्तक अदृश्य कर देगा। अपनी आवश्यकता के अनुसार हाइड इन ओपैक के लिए चेकबॉक्स को चेक किया अनचेक करें। मैं चेकबॉक्स को खाली छोड़ दूंगी। ऐसे आइटम्स के लिए नॉट फॉर लोन ऑप्शन का उपयोग करें जो लाइब्रेरी में रखे जाते हैं लेकिन सर्कुलेटेड नहीं होते। उदाहरण के लिए रेफरेंस बुक्स, रेयर बुक्स, डिक्शनरी आदि। मैं इस चेकबॉक्स को खाली छोड़ दूंगी। यदि आप चाहते हैं तो रेंटल चार्ज फील्ड में चार्ज होने वाली राशि प्रविष्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी में विशेष आइटम्स के लिए न्यूनतम किराया शुल्क पड़ सकता है। मैं कोई शुल्क नहीं डालूंगी क्योंकि ज्यादातर आइटम्स पर किराया शुल्क लेने के लिए आवश्यकता नहीं है। यदि आप शुल्क दर्ज करना चाहते हैं तो याद रखें कि केवल वैध नंबर दर्ज करें। अगला चेकिंग मैसेज टेक्स्ट फील्ड है। चेकिंग मैसेज विशेष आइटम के प्रकार पर निर्भर करता है। ऑप्शन हो सकता है बुक, सीरियल, सीडीज, डीवीडीज, बाउंड वॉल्यूम, माइक्रोफिल्म आदि। चेकिंग मैसेज फील्ड में मैं बाउंड वॉल्यूम टाइप करूंगी। इसके बाद चेकिंग मैसेज टाइप है। आइटम टाइप के आधार पर आइटम के लिए मैसेज या अलर्ट का चयन करें। चयनित विकल्प के अनुसार याद रखें कि संदेश या अलर्ट तब प्रदर्शित किया जाएगा जब इस विशेष आइटम के लिए चेकिंग करते हैं। मैं मैसेज चुनूंगी। अगला सिप मीडिया टाइप है। सिप मीडिया टाइप
केवल तभी लागू होता है जब आपकी लाइब्रेरी में सॉर्टर या लॉकर सुविधा का उपयोग किया जा रहा हो। तो मैं यहाँ सिर्फ मीडिया टाइप स्किप कर रही हूँ। समरी फील्ड में यदि आप चाहते हैं तो संबंधित आइटम का सारांश लिखें। मैं टाइप करूंगी आइटम टाइप रेफरेंस फैसिलिटेट सेल्फ चेकआउट और रिटर्न। अंत में सेल चेंजेस बटन पर क्लिक करें। एक नया पेज आइटम टाइप एडमिनिस्ट्रेशन खुलता है। नए आइटम टाइप के लिए भरे गए सभी विवरण आइटम टाइप्स एडमिनिस्ट्रेशन पेज पर एक सारणीबद्ध रूप में प्रदर्शित होते हैं। ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। आइटम टाइप्स के लिए असाइन किया गया कलेक्शन कोड्स संपादित नहीं किया जा सकता है। आइटम टाइप का विवरण संपादित किया जा सकता है। एक बार लाइब्रेरी में आइटम्स द्वारा आइटम टाइप का उपयोग किया जाता है तो इसे हटाया नहीं जा सकता है। इसी के साथ ट्यूटोरियल के अंत में पहुंचते हैं। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा आइटम टाइप्स के बारे में और आइटम टाइप्स को कैसे जोड़ना है। नियत कार्य के रूप में अपने लाइब्रेरी के लिए नया आइटम बुक और सीरियल जोड़े। निम्नलिखित लिंक पर वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। कृपया इस फोरम में टाइम के साथ अपने प्रश्नों को पोस्ट करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट एनएमईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। यह ट्यूटोरियल विकास द्वारा अनुवादित है। आईआईटी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।